हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू अनलिमिटेड स्टडी। इस वीडियो में हम सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके 10th क्लास के ज्योग्राफी चैप्टर रिसोर्स ऑफ इंडिया का पार्ट है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सॉइल डिफरेंट टाइप की सॉइल के बारे में बताया था कि इंडिया में डिफरेंट टाइप की सॉइल पाई जाती है। इस वीडियो में मैं आपको सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ाऊंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है? जो सॉइल की जो ऊपर की जो लेयर होती है उसका रिमूव हो जाना ही सॉइल इरोजन कहलाता है, या इसे सॉइल डिग्रेडेशन भी कहते हैं। तो अगर इसे इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ द मोस्ट फर्टाइल टॉप लेयर ऑफ सॉइल थ्रू वाटर, विंड एंड टिलेज। नेक्स्ट डेफिनेशन अगर हम देखते हैं कि सॉइल इरोजन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर लेयर ऑफ सॉइल, इट इज अ फॉर्म ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन, या अपर लेयर का डिस्प्लेसमेंट हो जाना ही सॉइल इरोजन कहलाता है। अब सॉइल इरोजन किन किन कारणों से होता है, क्या कॉजेज है उसके कि सॉइल इरोजन होता है? तो सबसे पहला जो सबसे मेन जो कॉज है वो विंड है। जो विंड है, यदि हैवी विंड होती है या हैवी विंड की ब्लो जो बहती है उसके कारण जो सॉइल है वह भी हवा के साथ बहकर चली जाती है, जिसके कारण सॉइल इरोजन होता है। नेक्स्ट जो मेन कारण है वह है वाटर के कारण सॉइल का इरोड होना, यानी जो वाटर है वो अपने साथ बहाकर ले जाता है सॉइल को। ये दो मेन कारण है सॉइल के इरोजन के। फिर इसके बाद के जो मेन कारण है वो है डीफॉरेस्टेशन, यानी ज़्यादा पेड़ों की कटाई होने के कारण भी सॉइल का इरोजन है, डीफॉरेस्टेशन के कारण सॉइल का इरोजन होता है। नेक्स्ट है ओवरग्राजिंग। ओवरग्राजिंग मीन्स किसी भी एनिमल्स का ज़्यादा ग्राजिंग करना, जैसे भेड़ है, बकरियां है, किसी फील्ड पर ज़्यादा ग्राजिंग कर लेते हैं, एक ही फील्ड पर बार बार ग्राजिंग होती है, जिसके कारण वहाँ से जो प्लांट्स है या वहाँ की जो ग्रास है वो पूरी तरह से रिमूव हो जाती है, जिसके कारण ये सॉइल को इरोजन का कारण बनता है। नेक्स्ट जो है कंस्ट्रक्शन के कारण, जो ह्यूमन के द्वारा वहाँ किसी बिल्डिंग्स या कंस्ट्रक्शन किया जाता है, कंस्ट्रक्शन के कारण उस प्लेस की जो मिट्टी है उसको हटाया जाता है, वहाँ के जितने भी पेड़ है उसको काट दिया जाता है, या वहाँ पर जितने भी वो वेस्ट मटेरियल जो रहते हैं उनको वैसे ही लैंड पर फेंक दिया जाता है, जिसके कारण सॉइल पोल्यूशन होता है और जिसके कारण सॉइल इरोजन होता है। ये भी मेन कारण है सॉइल इरोजन का। नेक्स्ट जो हमारा कॉज है माइनिंग। माइनिंग के कारण भी सॉइल इरोजन होता है, जैसे माइनिंग मीन्स होता है खुदाई करना, जैसे किसी मिनरल्स वगैरह की खुदाई, मिनरल्स वगैरह किसी लैंड पर मिलते हैं या वहाँ पर होते हैं तो वहाँ पर खुदाई की जाती है, और खुदाई के पहले जितने भी पेड़ हैं उनको पहले काटा जाता है, और काटने के बाद खुदाई की जाती है, और वहाँ पर कोल को भी जलाया जाता है, जिसके कारण जो वहाँ की जो पूरी लैंड है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, और उसी लैंड पे वहाँ पर कोई भी एग्रीकल्चर क्या है फार्मिंग नहीं कर सकते, और उसी लैंड को हम क्या कहते हैं, बैड लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हम बैड लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट जो कॉजेज है वो रेनफॉल एंड फ्लडिंग के द्वारा, जैसे रेनफॉल ज़्यादा होती है तो उसके कारण मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है, जो सॉइल इरोजन है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो आपको समझ में आया होगा सॉइल इरोजन के बारे में, उसके कॉजेज के बारे में समझ में आया होगा। अब जैसे सॉइल इरोजन होता है तो उसको प्रिवेंट भी करके रखा जा सकता है, कि हम किस तरह से उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं, किस उसके क्या क्या सॉल्यूशन है। तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को ग्रो किया जाए, ट्रीज उगाए जाए, और शेल्टर बेल्ट्स लगाए जाए। शेल्टर बेल्ट्स मीन्स वो होते हैं जो जैसे सड़क के किनारे पर प्लांट्स लगाना, या सड़क के किनारे पर जो पेड़ वगैरह को लगाने को बोला जाता है, शेल्टर बेल्ट्स कहा जाता है। एफॉरेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, जिसके कारण सॉइल इरोजन को हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट जो हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, इट शुड बी अ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्राजिंग। ग्राजिंग का एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए।
नेक्स्ट है काउंटर प्लगिंग। काउंटर प्लगिंग जैसे खुद जो जुताई की जाती है खेतों में, उसमें यदि पानी ज़्यादा होने के कारण भी जो मिट्टी है वो ज़्यादा गीली हो जाती है, गीली हो जाने के कारण जो वहाँ की जो मिट्टी है वो पूरी तरह से बहकर चली जाती है, सॉइल बहकर चली जाती है। तो अगर रॉन्ग तरीके से फार्मिंग की जाए तो उसके कारण भी सॉइल का इरोजन होता है। तो काउंटर प्लगिंग में जिसमें वाटर जो है या इरिगेशन जो करना चाहिए वह प्लगिंग किया जो जुताई के अपोजिट डायरेक्शन में करना चाहिए। नेक्स्ट है बिल्डिंग रिटेनिंग वॉल्स बनाने चाहिए। नेक्स्ट टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए। टेरेस फार्मिंग मीन्स जैसे ढलानों पर स्लॉप्स बनाए जाने चाहिए। स्लॉप्स बना के एक जो लाइन या एक पंक्ति में ही सारे जो खेती की जानी चाहिए, जुताई करनी चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एंड वाटर कंजर्वेशन पढ़ेंगे। अब वाटर सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये बात जानते हैं कि वाटर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। वाटर हमारी लाइफ में एक वैल्यूबल रिसोर्स है जो हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रखता है। और ह्यूमन बॉडी में 70% पाया जाता है। यदि ह्यूमन बॉडी में या किसी भी एनिमल में अगर वाटर ना हो तो उसका एग्जिस्ट करना पॉसिबल ही नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा वैल्यूबल होता है हमारा वाटर, तो यह हमारे लिए बहुत इसेंशियल है। यह अर्थ में बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है। नेक्स्ट है देयर आर फोर मेजर रिसोर्सेज ऑफ वाटर। अब फोर रिसोर्सेज है वाटर के। सरफेस वाटर है, ग्राउंड वाटर है। सरफेस वाटर जहाँ सरफेस में वाटर पाया जाता है, रिवर है, पॉन्ड है, सरफेस वाटर कहा जाता है। ग्राउंड वाटर, ग्राउंड मीन्स जो ट्यूबवेल्स है, वॉल्स है, तो वो ग्राउंड वाटर कहा जाता है। एटमॉस्फेरिक वाटर जो होते हैं जैसे ओस की बूंदें जो एटमॉस्फेयर में जो गैसों के द्वारा जो गर्म और जो ठंडी गैसें जो मिलती है उसके बनने से जो वेपराइजेशन होता है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक वाटर कहा जा सकता है। जैसे ओस की बूंदें हैं उन्हें हम एटमॉस्फेरिक वाटर कहते हैं। नमी वाले जो नमी जहाँ स्थान होता है, जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा होता है, उसको एटमॉस्फेरिक वाटर कहा जाता है। नेक्स्ट है ओशनिक वाटर रिसोर्स है। ओशनिक वाटर मीन्स ओशन में ओशन का जो वाटर होता है उसे ओशनिक वाटर कहते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे अब वाटर का कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए। व्हाई डू वी नीड वाटर कंजर्वेशन। हमें वाटर का कंजर्व करके क्यों रखना चाहिए, क्योंकि वाटर हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव। हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते विदाउट वाटर। तो इसका कंजर्वेशन कैसे किया जाना चाहिए। वाटर मीन्स यूजिंग अवर वाटर सप्लाई वाइजली एंड बी रिस्पॉन्सिबल एज एवरी इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर लाइवलीहुड। तो इसे किन किन तरीकों से कलेक्ट किया जा सकता है। मेनी रीजन है इसके कलेक्ट किया जा सकता है वाटर को। तो इसमें सबसे पहला जो हम कंजर्व करके रख सकते हैं वाटर को, टू कलेक्ट द रेन वाटर। जैसे कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर जैसे हॉट एरिया है, राजस्थान है, तो ऐसी एरिया में ज़्यादा हॉट एरिया में पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, वाटर की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जिसके कारण लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि वाटर को कलेक्ट करके रखना चाहिए। जो रेनफॉल होती है उसी वाटर को कलेक्ट करके रखा जाना चाहिए, जिससे वाटर को कंजर्व किया जा सकता है। यह सभी जगह इस तरह की प्रोसेस होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ वाटर सोर्सेस फॉर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन से प्रिवेंशन होना चाहिए। अभी वाटर पॉल्यूशन किस तरह से होता है ये तो हम सभी जानते हैं कि वाटर पॉल्यूशन बहुत हो रहा है। ये कि वाटर में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने के कारण वाटर पॉल्यूशन में बढ़ोतरी हुई है। रिवर्स में जो वेस्ट मटेरियल है वो बहाकर लोग ऐसे ही बहा देते हैं उसमें, और जो इंडस्ट्री में जो मटेरियल होता है उसे नदियों में बहा दिया जाता है, जिसके कारण वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो उसे भी रिसोर्स को पॉल्यूशन से प्रिवेंट करना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रोसेस है कंजर्व करने की वाटर को, इनकॉर्पोरेट वाटर कंजर्वेशन इनटू योर लैंडस्केपिंग। और वाटर कंजर्वेशन इन्हें कॉर्पोरेट करना चाहिए लैंडस्केपिंग को। लैंडस्केपिंग के द्वारा भी वाटर को कंजर्व किया जा सकता है। और ओनली रन वाटर यूजिंग अप्लायंस। यानी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब नीड हो हमें वाटर की, जब अभी हमें उसका यूज करना चाहिए वाटर का। नेक्स्ट है किस तरह से कंजर्व किया जा सकता है, री यूज वेस्ट वाटर वेयर पॉसिबल। जहाँ तक पॉसिबल हो वेस्ट वाटर का रीयूज करना
चाहिए, जैसे आपके घर में कोई वेस्ट वाटर पड़ा हो या आपने घर को क्लीन किया हो, तो उसका वाटर फेंकना ही नहीं चाहिए, बाहर नहीं फेंकना चाहिए, उसको प्लांट में जाकर डाल देना चाहिए, जिसके कारण प्लांट भी ग्रो होंगे और उस वाटर का यूज़ भी हो जाएगा, उस वेस्ट वाटर का यूज़ भी हो जाएगा। तो इस तरह से वाटर को हम कंजर्व कर सकते हैं। तो मेनी थिंग्स है वाटर को कंजर्व करने की, मैंने यहाँ पर सिर्फ ओनली आपको 5 थिंग्स बताई है कि किस तरह से वाटर को कंजर्व करके रखना चाहिए, किया जा सकता है। नेक्स्ट हमें पढ़ेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में, यूजेस एंड देयर कंजर्वेशन। तो सबसे पहले हम फॉरेस्ट को समझ लेते हैं कि फॉरेस्ट क्या है, वाइल्ड लाइफ क्या है। तो फॉरेस्ट जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रीज होते हैं, जहाँ की जो लाइवलीहुड है वहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी सर्वाइव करती है, तो उसी प्लेस को हम फॉरेस्ट कहते हैं। फॉरेस्ट से हमें बहुत प्रकार की चीज़ें मिलती है, जैसे मेडिसिन्स है, बहुत सारे मेडिसिन्स, आयुर्वेदिक जो चीज़ें वो हमें प्लांट्स के द्वारा ही मिलती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर, हमें शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स, एनिमल को रहने के लिए जगह देता है फॉरेस्ट। एंड इफ द ट्रीज आर डिस्ट्रॉयड, यदि ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तो यदि किया जाए तो दिस एनिमल्स ऑल्सो डाई एज दे डू नॉट हैव देयर नेचुरल हैबिटेंट। यदि ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो एनिमल पूरी तरह से डाई हो जाएंगे, या इवन हम जो ह्यूमन बींग है उनकी भी लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो जो फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, एक जो फूड चेन या बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। It is estimated that originally 1/4 part of the earth, 25% was covered by the forest. जो हमारे अर्थ का 25% जो भाग है वो हम फॉरेस्ट से कवर्ड है। अब बॉटनिकल सर्वे के द्वारा इंडिया में 47,000 स्पीसीज प्लांट की मिलती है, जिसमें से 5,000 जो स्पीसीज है वो हमारे इंडिया में है। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर इन्हें 5 टाइप से डिवाइड किया गया है, 5 टाइप के हमारे इंडिया में जो फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सेकेंड है मॉनसून फॉरेस्ट, थर्ड है ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फोर्थ है फॉरेस्ट ऑफ डेल्टा रीजन, एंड फिफ्थ है हिमालयन फॉरेस्ट। नेक्स्ट है कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, किस तरह से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को इंडिया में कंजर्व करके रखना चाहिए, क्या क्या इसकी पॉलिसी बनी है, क्या इसमें मैनेजमेंट है अभी तक बनाया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर इसेंशियल टू मेंटेन द अर्थ हेल्थ एंड एनवायरमेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है, वाई डू वी नीड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, क्यों कंजर्वेशन करना इन्हें इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह हमारी अर्थ की हेल्थ और इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारी फूड चेन को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है इनका कंजर्वेशन होना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई थी 1894 में, इंडिया में फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और तो इसका मेन उद्देश्य क्या था, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वह था 1988 इज प्रोटेक्शन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना और उसका डेवलपमेंट करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। अब इसको किस तरह से कंजर्व, फॉरेस्ट को किस तरह से कंजर्व किया जा सकता है, तो मेंटेनेंस ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, तो एनवायरनमेंट को मेंटेन किया जाना चाहिए कि किस तरह से पेड़ पौधों को लगाया जाए, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, फॉरेस्ट को काटना नहीं चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, इस तरह से बहुत सी चीज़ों को करना चाहिए। नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज कंजर्व करने चाहिए, जैसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, इनको कंजर्व करके रखना चाहिए। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट टू मीट द नेशनल नीड, और फॉरेस्ट की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करना चाहिए नेशनल लेवल पर, या उनकी जो नीड है होनी चाहिए।
और जो कंजर्वेशन है फॉरेस्ट का, कंजर्वेशन 3 टाइप से भी किया जा सकता है, बायोस्फीयर रिजर्व के द्वारा, नेशनल पार्क के द्वारा और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के द्वारा हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिस तरह से फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से वाइल्ड लाइफ भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटेक्टिंग वाइल्ड स्पीसीज एंड देयर हैबिटेट इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्दी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, हमारे नेचुरल इकोसिस्टम के लिए इन स्पीसीज या वाइल्ड लाइफ स्पीसीज को बचाना बहुत ही जरूरी है, कंजर्व या प्रिवेंट करना उन्हें बहुत ही जरूरी है। जैसे वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, जैसे टाइगर है, जो टाइगर की जो स्पीसीज है बहुत हमारे इंडिया में बहुत कम थी, उनकी हंटिंग ज़्यादा की जाती थी। जैसे चीता है, बाघ है, इनकी हंटिंग ज़्यादा हो रही थी और इनकी जो संख्या है वो भी कम हो रही थी, जिसके कारण इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाना बहुत जरूरी हो गया है। इस्टेब्लिशिंग, अब इनको किस तरह से कंजर्व किया जा सकता है, इस्टेब्लिशिंग बायोस्फीयर रिजर्व इन फॉरेस्ट एरियाज, फॉरेस्ट एरियाज में बायोस्फीयर रिजर्व को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्रोग्राम, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाए जाने चाहिए, उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। यह इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जिसके द्वारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन होता है। नेक्स्ट है एजुकेटिंग पब्लिक फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एट लेवल ऑफ एजुकेशन, और पब्लिक को एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किस तरह से किया जा सकता है। इसके अलग अलग प्रोग्राम चलाने चाहिए कि एनवायरनमेंट को हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से उसको पॉल्यूशन फ्री कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ये इस चैप्टर का रिसोर्स ऑफ इंडिया का लास्ट पार्ट था, इसे मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ये चैप्टर, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। और यदि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करते हो तो आगे के जितने भी चैप्टर या 10th क्लास के या सोशल साइंस के जितने भी मैं बनाऊंगी वीडियो वो आपको मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।